औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थ्री, होप यू आर ऑल फाइन एट योर होम। स्टूडेंट्स, टुडे इज़ 24th of September 2020 एंड द डे इज़ थर्सडे। दिस इज़ योर ऑनलाइन कंप्यूटर लेक्चर। स्टूडेंट्स, वी हैव स्टार्टेड आवर यूनिट नंबर 8 विच नेम इज स्टार्टिंग विद लोगो। Before starting our today's lecture, let's have a review. Starting with logo, students, you have learned in the previous units that logo is a simple computer language. Logo stands for logic oriented, graphic oriented. Logo is a short form of logo oriented and graphic oriented. Like paint, you can enjoy drawing or on computer by using logo. It can be used to draw simple shapes and also to do calculations like addition, subtraction, multiplication and division. You will find that it is fun to work in logo. A unique feature of logo is a turtle graphics. In turtle graphics, you use some simple commands to control the movement of a turtle. Turtle obeys these commands and draw on the screen. The turtle represents a cursor on a pointer on the screen. It is a rectangular in shape. जो रेक्टेंगुलर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसको हम टर्टल कहते हैं। द पॉइंटेड एंड ऑफ द टर्टल इज कॉल्ड इट्स हेड एंड द वाइड एंड इज कॉल्ड इट्स टेल। स्टार्टिंग विद लोगो, हाउ टू स्टार्ट अ लोगो। नंबर वन, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन ऑन द विंडो डेस्कटॉप, स्टार्ट मेन्यू अपीयर्स। नंबर टू, मूव द माउस पॉइंटर टू प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स मेन्यू अपीयर्स। Number three, move the pointer to Microsoft window logo. In the program menu, a sub-menu appears. Click on MSW logo. The logo screen appears on your window desktop. The logo screen is divided into two parts. One is graphic screen or main screen and the other one is called commander window. Now starting our today's lecture, we are going to read about how we can command the turtle. Number one is forward command. Forward command or primitive makes the turtle move in the forward direction. यानी कि आगे को जाने को जब हमने कमांड देनी है तो उसको कहते हैं फॉरवर्ड कमांड। फॉरवर्ड डायरेक्शन इज द डायरेक्शन इन विच इट्स हेड इज पॉइंटिंग। फॉरवर्ड डायरेक्शन कौन सी है जहाँ पे टर्टल का जो हेड है वो मूव करेगा। लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। क्लिक द लेफ्ट माउस बटन इन द कमांड। आपने लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करना है कमांड के ऊपर। इनपुट बॉक्स टाइप फॉरवर्ड, प्रेस द स्पेस बार वंस एंड देन टाइप अ नंबर। आप जैसे ही कोई नंबर टाइप करोगे और फॉरवर्ड की कमांड दोगे तो वो टर्टल जो है वो फॉरवर्ड की तरफ मूव, यानी कि आगे की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज बैकवर्ड कमांड या बैक कमांड। हैव यू एवर ट्राइड टू मूव बैकवर्ड्स विदाउट लुकिंग एट द बैक? वेल, द टर्टल कैन डू इट वेरी वेल। आप कभी बैक के ऊपर बैकवर्ड चल सके हो विदाउट सीइंग, कि आप देख ना रहे हो और बैकवर्ड चल सकते हो, तो टर्टल ऐसा कर सकता है। इट कैन मूव बैक, इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स टेल। बैकवर्ड मूव करने का मतलब यह है कि वो अपनी टेल्स की तरफ जो है, टेल की तरफ जो है वो मूव करेगा। इट कैन मूव बैक, दैट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स टेल। बैक प्रिमिटिव इज़ यूज टू मूव द टर्टल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन विदाउट टर्निंग इट्स हेड। ये अपने हेड को मूव नहीं करेगा, ये अपनी टेल वाइज जो है वो बैकवर्ड मूव कर जाएगा। इट इज़ रिटन एज बैक स्पेस एन और बैक बी के स्पेस एन, वे एन इज़ द नंबर ऑफ स्टेप्स यू वांट टू टर्टल टू मूव। एन क्या है? नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, जितने स्टेप भी आपने टर्टल को मूव करवाना है उसको हम एन से, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट वन इज राइट कमांड। राइट कमांड इज़ यूज टू टर्न द टर्टल टू इट्स राइट। इट इज़ अप टू यू हाउ मच यू वॉन्ट टू टर्टल टू टर्न।
अब आप जब टर्टल को राइट कमांड दोगे तो अब ये आपके ऊपर है कि आपने उसको कितने एंगल पे टर्न करना है. टर्टल कैन टर्न अ फुल सर्कल एंड कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. टर्टल जो है वो फुल मूव भी कर सकता है और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे भी आ सकता है. दिस इज़ कॉल्ड एज टर्निंग द टर्टल थ्रू 360 डिग्री. ये इसको क्या कहते हैं कि टर्टल जो है वो 360 पे मूव कर रहा है. सो यू कैन टर्न द टर्टल थ्रू हाफ सर्कल टू लुक एट द बैक. दिस इज़ कॉल्ड टर्निंग द टर्टल थ्रू 180 डिग्री. अगर आपने सिर्फ इसकी हेड को नीचे लेके आना है तो इसको हम कहेंगे कि टर्टल ने मूव किया है 180 डिग्री पे. यू कैन टर्न द टर्टल थ्रू 1/4 ऑफ अ फुल टर्न. इट इज़ डन बाय टर्निंग इट थ्रू 90 डिग्री. अगर आप इसके हेड को राइट साइड के ऊपर लेके आते हो तो दैट इज़ कॉल्ड टर्निंग थ्रू 90 डिग्री. यू कैन इवन टर्न द टर्टल स्लाइटली से थ्रू 5 डिग्री. आप इसको 5 डिग्री यानी कि स्लाइटली भी मूव कर सकते हो. सो आपने जितना भी टर्टल को मूव करना है आप उतनी कमांड दे के टर्टल को उतनी डिग्री एंगल पे मूव कर सकते हो. हैव यू नोटिस दैट व्हेन यू विश टू टर्न द टर्टल यू मस्ट स्पेसिफाई हाउ मच यू वांट टू टर्टल टू टर्न. राइट प्रिमिटिव टर्न्स द टर्टल टू इट्स राइट बाय अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिग्री दैट इज रिटन राइट स्पेस स्मॉल एन. आपने राइट कमांड को लिखना है उसके बाद स्पेस देनी है एंड दोबारा नंबर ऑफ स्टेप्स हैं जितना भी आपने उसको टर्टल को मूव करवाना है. राइट टेल्स द टर्टल टू टर्न टू इट्स राइट एंड टेल्स द टर्टल बाय हाउ मैनी डिग्री इट हैज़ टू टर्न. स्पेस इंडिकेट्स दैट यू शुड प्रेस द स्पेस बार आफ्टर टाइपिंग राइट एंड बिफोर टाइपिंग द नंबर ऑफ द डिग्रीज. राइट क्या है? आपकी कमांड है. स्पेस यानी कि आपने स्पेस बार को प्रेस करना है. और एन क्या है? एन ये शो कराता है कि आपने कितने टर्टल को लेफ्ट साइड पे मूव करवाना है. नेक्स्ट वन इज लेफ्ट कमांड. द लेफ्ट प्रिमिटिव टर्न्स द टर्टल टू इट्स लेफ्ट बाय अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिग्रीज. जिस तरह हमने इसको राइट कमांड को शिफ्ट कराया था बिल्कुल सेम उसी तरह आप लेफ्ट कमांड पे भी टर्टल को मूव कर सकते हो. दिस इज़ नोन एज टर्निंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की मूवमेंट भी कहलाती है. लेफ्ट प्रिमिटिव इज रिटन एज लेफ्ट को आपने कमांड को कैसे देना है? लेफ्ट देन स्पेस देन एन और एलटी स्पेस देन एन. वेयर लेफ्ट और एलटी टेल्स द टर्टल टू टर्न टू इज लेफ्ट एंड एन टेल्स द टर्टल बाय हाउ मैनी डिग्रीज इज हैज़ टू टर्न. स्पेस इंडिकेट्स दैट यू शुड प्रेस द स्पेस बार की आफ्टर टाइपिंग लेफ्ट और एलटी एंड बिफोर टाइपिंग द नंबर ऑफ डिग्रीज. Let us use the left command in an example. Type LT45 and press the enter key. The turtle turns to its left through 45 degree as shown in the figure. अगर आपने टर्टल को लेफ्ट के साइड पे 45 डिग्री पे मूव करवाना है तो आपने सिंपली लेफ्ट कमांड को लिख के स्पेस बार एंड देन 45 एंटर करेंगे तो वो लेफ्ट 45 डिग्री तक लेफ्ट की तरफ जो है वो टर्न हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, ये आपकी है कि हाउ कैन यू मूव योर टर्टल फॉरवर्ड बैकवर्ड लाइव ऑन द लेफ्ट साइड एंड ऑन द राइट साइड. नेक्स्ट वन, एंडिंग योर लोगो सेशन. आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क इन लोगो फॉलोज दिस स्टेप टू क्लोज लोगो. नंबर वन, टाइप बाय इन द इनपुट बॉक्स एंड प्रेस एंटर की और क्लिक ऑन क्लोज बटन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द मेन स्क्रीन. द लोगो स्क्रीन विल डिसअपियर. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू द लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट. नंबर वन, राइट द स्टेप्स टू स्टार्ट लोगो. एंड द स्टेप्स आर, नंबर वन, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन.
Number 2, move the pointer to program. Number 3, move the pointer to Microsoft window logo in programs menu. Number 4, click on MSW logo. Then logo screen appears. Question number 2, what is turtle? And the answer is, the turtle represents cursor on the screen. It is rectangular in shape. It is triangular in shape. The pointed end of turtle is called its head and the wide end is called its tail. Question number 3, what does the output command recall list box contain? The box record all commands executed after being typed in the command input box. Question number 4, what does the primitive CS do? CS primitive clears the previous drawing from the screen and brings the turtle to the center of the screen. Let's do the short questions of this unit. Question number 1, write the full form of logo. Logo stands for logic oriented, graphic oriented. Question number 2, name the parts of logo screen. Number 1, graphic screen or main screen, and number 2, commander window. Question number 3, what is the purpose of command input box? Command input box is used to type commands for the turtle. Question number 4, what does the primitive forward do? Primitive forward commands makes the turtle move in the forward direction. In which direction does BK command move the turtle? BK command moves the turtle in backward direction. Question number 6, what does the primitive left do? The left primitive turns the turtle to its left by specified number of degrees. At the end of the lecture, here's your diary. Write and learn short questions and long questions of this unit. Okay, students, take good care of yourselves. Allah Hafiz.